बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका आपके पेशेंस के लिए मेहमान हैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने वक्त निकाला और फिक्की बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमें देने के लिए बात करने के लिए और खासकर तब जब अभी-अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है और बहुत कुछ समसामयिक है इस वक्त बात करने के लिए दिनेश जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं चर्चा है इंडिया फर्स्ट ब्रिजिंग द पॉलिटिकल डिवाइड इंडिया फर्स्ट की आमतौर पर इंडिया फर्स्ट जब आदमी कहता है तो लगता है कि इसमें तो कोई मतभेद नहीं हो सकता इंडिया फर्स्ट जो आपकी पार्टी के लिए होगा जो भूपेन जी की पार्टी के लिए होगा जो पिनाकी जी की पार्टी के लिए होगा जो गौरव जी की पार्टी के लिए होगा समान ही होना चाहिए क्या इसमें कोई मतभेद है आज की सरकार या प्रधानमंत्री जब कहते हैं इंडिया फर्स्ट उस डेफिनेशन में और आपकी परिभाषा में मुझे तो जब मैंने ये टॉपिक देखा और इसके पहले जब ब्रांडिंग हो रही थी ब्रांडिंग पे डिस्कशन तो ये मुझे एक ब्रांडिंग जैसा लग रहा है कि इंडिया फर्स्ट आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड यू नो इट्स लाइक सेइंग आई लव माय मदर इट्स ऑल अंडरस्टूड आई डोंट थिंक सो यू हैव टू लेबर ऑन दिस बट बिफोर आई गेट इनटू दैट टॉपिक ऑन द लाइटर नोट अभी रजत जी बता रहे थे कहाँ है कि गए हाँ रजत जी कि भाई अमित शाह के पास कैश नहीं है आपके पास कैश नहीं है फिकी के पास कैश नहीं है तो कैशलेस कंट्री और सोसाइटी तो हो ही गई आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव इट्स ए ग्रेट आइडिया देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट इंडिया फर्स्ट इट्स अंडरस्टूड आई पर्सनली फील कि इसमें कोई मतलब मतभेद का सवाल आता नहीं, अगर है। वो अगर प्रधानमंत्री का इंडिया फर्स्ट जुड़ जाता है इस नोटबंदी के साथ कि ये नोटबंदी भी इंडिया फर्स्ट के लिए ही है तो वहाँ मतभेद आएगा वो तो उसको इससे जोड़ के देखते हैं भाई वो उनका अधिकार है और उन्होंने एक पहल की है और जिसको कहते हैं ना जूरी इज स्टिल आउट सो वी विल हैव टू सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स एट द मोमेंट तो मतलब तरह तरह की व्हाट्सएप में जोक्स आ रहे हैं अभी आते आते मैंने एक देखा कि बैंक स्टेट बैंक और LIC में एक जॉइंट वेंचर हो गया और वो क्या हुआ बैंक कह रहे हैं कि लाइन में टिकोगे तो पैसा हम देंगे और LIC कहते हैं कि लाइन में टिक नहीं पाओगे तो पैसा हम देंगे सो समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ पेन एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज रियली द टॉपिक अब ये जो डिवाइड है ये इतना बड़ा डिवाइड बन गया ये गौरव मेरा सवाल आपसे भूपेन जी आपके पास बाद में होंगे क्योंकि आप बहुत निशानों पे हैं बहुत से सवालों के जवाब एक साथ आपको देने पड़ेंगे ये डिवाइड इतना बड़ा है गौरव कि इस लोकसभा सत्र में केवल लोकसभा में 15% काम हुआ है राज्यसभा में 20% काम हुआ है ये एक आंकलन है कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने आंकड़ा निकाला है कि एक दिन अगर पार्लियामेंट चलानी है तो 10,01,00,000 रुपये का खर्च होता है 21 दिन का सेशन था 19 घंटे लोकसभा में काम हुआ है जिस दर्द की चर्चा दिनेश जी कर रहे हैं उस दर्द को उठाने का जैसे आप कह रहे हैं कि हम महसूस करते हैं संसद से अच्छी कौन सी जगह है जहां वो बात नहीं हो पाई और इसके जिम्मेदार लोग आपको भी बता रहे हैं कुछ लोग सरकार को भी बता रहे हैं मुझे अच्छा लगता है कि जब मीडिया चैनल में पार्लियामेंट में कितना समय काम नहीं हुआ या हुआ उसका फाइनेंशियल वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट और डिमोनेटाइजेशन का जो 1 महीने से जो ये भारत बंद है उसका क्या फाइनेंशियल लॉस हुआ क्या उसका आंकड़ा आपके पास है जी उसके आंकड़े अर्थशास्त्री निकाल रहे हैं और जैसे कि उन्होंने कहा जूरी इज आउट निकाल रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि जो भारत सर्वश्रेष्ठ है ये तो हम सब मानते हैं पिछले प्रधानमंत्री भी मानते थे वो चाहे जनसंघ के हों BJP के हों कांग्रेस के हों ऐसा कोई भारत का प्रधानमंत्री हुआ है जो बोलता है मेरे लिए भारत सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो आज हमें चाहिए कि हम सब भारत के लिए हम आए हैं राजनीति में आए हैं और पार्लियामेंट में हम काम करना चाहते हैं मैं इससे सहमत हूँ देखिए मुझे कोई शौक नहीं है कि हर शाम को मैं TV चैनल में जाके अपनी बात रखूं और पार्लियामेंट में जिसके लिए मुझे चुना गया है वहाँ पर मैं बात नहीं रख पा रहा उसके लिए अलग तर्क है नियम है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये है कि हमें एक माहौल चाहिए पार्लियामेंट के अंदर हम कैसे जो
विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, हम आपस में एक माहौल क्यों ना बनाएं जिससे हम चर्चा करें। लेकिन अगर हम वो माहौल ही नहीं बना पाए, अब जो हमने प्रॉमिस किया उससे हम मुकर गए, तो वो पार्लियामेंट सफर्स। तो इसीलिए मुझे लगता है उसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं किसी एक पे मैं डालना नहीं चाहूंगा, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पार्टी की भी कुछ जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सबकी है कि हमें एक माहौल ऐसा बनाना है जिसमें एक चर्चा हो और चर्चा के द्वारा हम सवाल उठाएं। क्योंकि अगर आज भारत में अगर कुछ हम चाहिए, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अगर हम घोषणा कर दिया और बोला कि देखो क्योंकि मैंने घोषणा कर दिया तो अच्छा ही होगा, ये नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अगर चाहिए तो ना सिर्फ मीडिया पे, ना सिर्फ सिविल सोसाइटी के द्वारा, पर पार्लियामेंट के अंदर भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम प्रयत्न करेंगे कि आने वाला सत्र और प्रभावशाली हो। लेकिन साथ ही साथ इससे पहले वाला जो सत्र था, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेशंस इन पार्लियामेंट, इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एज पर योर। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देश वो में तो उस पे तो हमें आपको हम आपको याद आते नहीं है, उस पे तो बोलती नहीं कि देखिए अरे सारे राजनीतिक दलों ने कैसा उन्होंने अच्छा काम कर दिया। गौरव, सरकार तो कभी हमारा भी थोड़ा हमें प्यार से बात बिल तैयार किए थे सरकार ने इस सत्र के लिए, उसमें से दो पास हुए, 20 में से दो सत्र बिल केवल पास हो पाए। पिराकी जी, एज ए सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या ऐसा हो गया है माहौल की जब हमारी सरकार थी तब तुमने संसद नहीं चलने दी, अब हम बदला निकालेंगे चाहे कुछ भी हो? सौरभ जी, मुझे इसके पहले कि मैं आपका जवाब दूं, और बहुत वाजिब सवाल है आपका, मैं ज़रा कीनोट स्पीकर रजत जी ने एक बहुत अहम बात की है और बहुत ही अहम बात मुद्दा छेड़ा है, ये जो इलेक्शन एक साथ का, तो मैं एक मिनट उस पर लेना चाहूँगा। उड़ीसा के हमारे असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव के साथ होते हैं, ये 2004 से हो रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारी सरकार वहाँ पर 2000 मई में चुन के आई थी, 2005 मई में नेचुरल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स था सरकार का, अटल जी ने 9 महीने पहले इलेक्शन करा लिए, नवीन पटनायक जी ने 1 साल अपने टर्म का शेव कर दिया पूरा। हिंदुस्तान की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री में इतना दम नहीं है कि वो 1 साल का कार्यकाल अपना छोड़ दे। मतलब जो हमारे MLAs की हालत थी वो देखने लायक थी कि आपने किया क्या, हमें 1 साल का हमारा जो कार्यकाल होता है, और हर MLA के लिए आपको मालूम है क्या हालत होती है उनकी, 1 साल का कार्यकाल उन्होंने शेव किया। और इसलिए किया कि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगेगा, 3 महीने नई सरकार आएगी उतने में फिर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे असेंबली का लग जाएगा। तो मेरे उड़ीसा में इसका मतलब 1 साल तकरीबन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा रहेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और उन्होंने 1 साल पहले इलेक्शन 2004 में कराया, 2009 में, उसके बाद 2014 में, तो हमारे इलेक्शन पार्लियामेंट के साथ होते हैं। दिल्ली में जिसका रुबाब हो, दिल्ली में जिसकी गुड्डी चढ़ी हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना वापस सरकार में चुन के आते हैं। इस बार 21 MPs में से 20 MP हमारे चुन के आए हैं, और 21वां MP भूपेंद्र जी को मालूम है, जोयल ओराम जी 12,000 वोट से समहाव निकल गए, अदरवाइज 21 की 21 सीटें हमारी आती, ये पहली बात है। तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, थोड़ा सा दूरदर्शिता होनी चाहिए। मैंने उनको पूछा 2004 में इलेक्शन जब हो रहे थे, एक दिन डिनर पे हम लोग बैठे हुए थे भुवनेश्वर में, मैंने कहा ये आपने क्या सोच के किया? बोले यू नो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स डू दिस ऑल द टाइम, इफ यू लुक एट 20th सेंचुरी यू हैड एटलीस्ट 5 occasions व्हेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स हैव कॉल्ड फॉर अर्ली इलेक्शंस। तो ये एक वेस्ट में बहुत साधारण बात है, यहाँ हम लोगों को कुर्सी से चिपक के रहने का इतना शौक है कि यहाँ कोई ये करने को तैयार नहीं होता। अब इसी मुद्दे पर रहे आप, दूसरा बहुत अहम मुद्दा है, बीजू जनता दल के MP आज तक कभी हाउस के वेल में नहीं उतरे हैं, आज तक। और हम इसलिए नहीं उतरे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का निर्देश है, अपनी जगह खड़े होकर जितना आपको बात कहने का मौका मिले बात करो, वेल के अंदर जाना टोटली हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। पर्सनली मैं तो, चाहे मुझे अगर हाईकमांड का भी निर्देश आए तो मैं वेल में ना जाऊं,
क्योंकि मुझे शर्म आएगी. और मैंने देखा है, गौरव जी, सुष्मिता जी, माफ़ करें, कांग्रेस पार्टी में भी एक दो एमपी ऐसे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बड़े क्वार्टर हार्टेडली खड़े रहते हैं अपना मतलब, लेकिन वेल में कभी नहीं जाते, चाहे जितने बाकी एमपी जाएं. तो ये दो एट्रीब्यूट हैं बीजू जनता दल के, कि हम आज तक कभी वेल में नहीं उतरे, जो बात कहनी होती है अपनी बात रखते हैं, डिबेट के माध्यम से रखते हैं, लेकिन वेल में उतरने का हमें शौक नहीं है. वी बिलीव इन पार्लियामेंट्री डिबेट. अब पूछिए. अब भाई, आप जो दो बातें कही हैं कि वेल में पानी भर दो तो कोई नहीं उतरेगा, ये ड्राई वेल है उसके सब जाते. पूछिए. नहीं, अब मैं आपकी दोनों मुद्दे जो आपने उठाए, सुष्मिता जी और भूपेन जी के पास लेना चाहता हूँ. भूपेन जी, ये जो काफ़ी चर्चा हुई कि सारे चुनाव एक साथ हों, एक उदाहरण भी उन्होंने दे दिया उड़ीसा का. हमने पीछे पढ़ा था, प्रधानमंत्री तो इस पक्ष में है, प्रधानमंत्री तो ये बात शायद पार्टी लीडर्स से कहिए, पार्टी फोरम पर कहिए कि ऐसे हमें कुछ इस पर विचार करना चाहिए. लेकिन क्या आपकी पार्टी और इस सरकार का बाकी दलों के साथ इतना समन्वय है, इतनी गुडविल आपकी और उनके बीच में है, कि इतना बड़ा मुद्दा आप लेकर के जाएं तो इस पर कुछ चर्चा बहस बढ़े? निश्चित रूप से. मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पिछले साल दिसंबर में इस पे पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो कंसेंसस से रिपोर्ट आई, और उस कमेटी का मैं मेंबर था, और हमारी कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के थे, नचियप्पन साहब. इसमें व्यवहारिकताओं को लेकर के आकलन किया गया. ब्रिटेन में भी 2011 का कानून आया है. हमारे देश में दो तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस कानून को लेकर के भी आएंगे तो फिर समस्या ये आएगी कि कई विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो किसी का 2 साल रह रहा है, किसी का 3 साल रह रहा है. जैसे अभी रजत जी ने रिपोर्ट पढ़ी, लगभग 19 राज्य ऐसे हैं कि जिनका अगर हम 6 महीने ज़्यादा या 6 महीने कम का अगर हम समय को घटा बढ़ा दें तो 2.5 साल के अंदर केंद्र और 6 इन 19 राज्यों का, और 2.5 साल के अंदर दूसरे राज्यों का. जो दूसरी समस्या आएगी वो समस्या ये आएगी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, अगर किसी राज्य में हंग असेंबली आ गई, तो फिर विषय ये है कि नो कॉन्फिडेंस की जगह कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, ये दूसरा विषय है. और चूंकि 2.5 साल के अंतराल में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए 6 महीने फिर हम राज्यपाल को या राष्ट्रपति को स्वविवेक अधिकार के कोई विषय पे कर सकते हैं, ये एक चर्चा का विषय है. पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी, बाद में नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी. मैं आपको एक व्यवहारिक पक्ष भी बताता हूँ. मैं राजस्थान से आता हूँ, और मुझे 2013 में लगभग हमारे स्टेट में मई जून से इलेक्शन का माहौल बना, अगस्त में आचार संहिता लागू हो गई, और अक्टूबर में हमारे प्रदेश के चुनाव हुए. 13 दिसंबर 2013 को हमारी सरकार बन गई वसुंधरा जी की. जैसे ही हमने इंटरिम बजट रखा, केंद्र के चुनाव आ गए. मई में हमने जैसे ही केंद्र के चुनाव पूरे कराए, सितंबर अक्टूबर में म्यूनिसपल्टीज के चुनाव आ गए 2014 में. जैसे ही म्यूनिसपल्टी के चुनाव कराए, जनवरी 2015 में लोकल बॉडीज के जिला परिषद के चुनाव आ गए. मतलब 2013 से लेके 2015 फरवरी तक हम कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सके, क्योंकि राज्य में चुनाव चल रहे थे. इसलिए जहाँ तक राजनीतिक दलों की और संसद की इच्छा शक्ति का सवाल है, एक कंसेंसस से रिपोर्ट सरकार के सामने आई है जी. जो दूसरा पक्ष आपने कहा है कि कंसेंसस कहाँ खड़ी होती है, देखिए, इतने राजनीतिक विरोधाभासों के बावजूद आज कोई आप एक चैनल से दूसरे चैनल को कहो कि अपने अधिकार कम करके इसको दे दो, केंद्र और राज्यों ने, 29 राज्य सरकारों ने और केंद्र ने अपने अपने अधिकारों पे कटौती करके जीएसटी के बिल को पास किया कि टैक्स का ये आधार हम छोड़ेंगे, ये आप छोड़ेंगे. जीएसटी का बिल कंसेंसस से पास हुआ. अभी जो लेटेस्ट रिफॉर्म हुए, चाहे सिक्योरिटाइजेशन लॉ आया, चाहे डीआरटी का आया, चाहे बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी का आया, चाहे बेनामी प्रॉपर्टी का आया, और अभी जब चूंकि हमारा दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस को लेकर हमारा भारत की प्रतिबद्धता थी कि देश में जो दिव्यांग हैं उनका जो कानून है वो नहीं रुकना चाहिए, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतने शोर शराबे में भी वो कानून जो है पास हुआ, संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ. लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था संसद में खड़ी भी हुई है, निश्चित रूप से इसके भी नियमों में पुनर्विचार होना चाहिए कि हम संसद को जो डिस्टर्ब भी कई बार करते हैं. अपोजिशन को राइट है प्रोटेस्ट करने का. इस बार तो केंद्रीय मंत्री भी नारे लगा रहे थे,
इस बार तो आपकी सरकार के मंत्रियों ने नारे लगाए। मैंने मंत्रियों के नारे नहीं सुने। वेल में गए हैं आपके सांसद, हमारे मंत्री तक वेल में गए। कोई सांसद वेल में नहीं गए सौरव जी, ये आपके बगल में बैठे हैं, दोनों सर हिला रहे हैं हाँ में। आप संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड देख लीजिए, लोकसभा में, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, कोई वेल में नहीं गए। अच्छा सुष्मिता, पार्लियामेंट में जब ये हंगामा होता है, आप अपनी बात नहीं कह पाती हैं, तो इसकी कोई फ्रस्ट्रेशन होती है आपको या पार्टी का आदेश है वो सर्वोपरि है? इन एवरी हाउस वी हैव अ सर्टन रूल ऑफ प्रोसीजर्स, उसमें कुछ नियम होते हैं जिसको मानकर हम चलते हैं, पर जो एटमोसफियर अभी सदन में है, मैं बोलूँगी ये गलत होना होगा बोलना कि मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं ऑपोजिशन में हूँ, और जब सदन नहीं चलता है, जितना मैं कहूँगी नुकसान सरकार को होता है उतना ही विपक्ष को भी होता है, क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं तो हर सेशन में हम तय करके आते हैं कि इस बार हम सदन में कौन सा मुद्दा उठाएंगे, क्या बोलेंगे, इसलिए चर्चा नहीं होने से नुकसान सबका होता है। बट इस बारी जो सदन में हुआ, जो मीडिया में बात बार बार यही आती रही कि सदन नहीं चल रही है, नहीं चल रही, पर एक चीज़ शायद हम समझा नहीं पाए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो ये है कि हम लोकसभा में, मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रही हूँ, लोकसभा में हम वोट चाह रहे थे। अब कोई पूछ सकता है कि आप जिस सरकार के पास इतनी बड़ी बहुमत है, आप वोटिंग क्यों करा रहे हैं? पर देखिए, रूल्स और प्रोसीजर्स में देर आर डिफरेंट टूल्स बाई विच यू प्रूव अ पोलिटिकल पॉइंट। सो इट मे वेल हैव बीन दैट दिस गवर्नमेंट वुड हैव वन द वोट बिकॉज दे हैव अ ब्रूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, पर एडजर्नमेंट मोशन और एक नॉर्मल डिबेट के बीच में यही अंतर होता है कि एडजर्नमेंट मोशन में देर इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसर। सो जब ये जब आपको इतना विश्वास है सरकार के ऊपर कि इनके पास इतना बहुमत है, अगर ये वोटिंग भी करा लेंगे तो ये पास हो जाएंगे, वोटिंग में जीत जाएंगे, तो उस पर इतना अडिग होने, उस पर इतना जिद करने का क्या फ़ायदा कि 21 दिन बीत गए और पूरे देश ने वही नज़ारा देखा कि वेल में लोग खड़े हैं, नारेबाजी हो रही है, उस बीच में कोई काम नहीं हो रहा, देश जो प्रधानमंत्री कहते हैं एक अर्थ क्रांति से गुजर रहा है, एक एक आदमी इस फैसले से इफेक्ट हुआ है, अच्छे या बुरे जैसे भी, वो सुनना चाहता है कि मेरे देश के नेता क्या कहते हैं और सबसे बड़े मंच पर क्या कहते हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल साउंड करता है, मैं कहूँगी नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो इलॉजिकल है, बट इट्स लाइक सेइंग व्हेन अ गवर्नमेंट कम्स विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऑपोजिशन में से डिबेट सुनने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन जस्ट पास इट। बट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट हैज़ मेनी मोर नुआंसेस। अगर सिर्फ इतना सिंपल होता तो रूल प्रोसीजर में इतने तरीके क्यों होते, तो एडजर्नमेंट मोशन है क्यों हमारे रूल बुक में, उसको हटा दिया जाए। दिनेश जी, सी ये सब है ना सौरभ जी, सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विच इज समवेयर एल्स। देखिए मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, 1990 से एमपी हूँ, देखते मैं काफ़ी यंग लग रहा हूँ मगर काफ़ी साल से एमपी, यू कैन क्लैप। सो 1990 में, एंड आई कैन टेल यू, इवन इफ वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वन इफ ही वॉकड आउट, दैट वुड हैव बीन अ न्यूज, एंड इफ द एंटायर पार्टी वॉकड आउट तो बैनर हेडलाइन आ जाएगी कि आज पूरा विपक्ष संसद से वॉकआउट किया। और आज क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट चलती है, उसका न्यूज आया कि आज पार्लियामेंट चल रही है, तो कहीं ना कहीं गिरावट बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह आई, एंड इट्स ए वेरी सैड सिचुएशन आई मस्ट टेल यू। और इसके लिए मुझे लगता है हम सब जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग जो मेन चीज जिसके बात कर रहे हैं ना, दिस इज वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रिजिंग द गैप। हाउ डू वी ब्रिज द गैप? आई विल टेक यू बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, एंड आई वेरी वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट and perhaps recommend that everybody should read that. Now, इतनी सारी पार्टियाँ सेंट्रल हॉल में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कुछ नहीं, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था और सबको उस बात का दुख था, फुल स्टॉप कॉमा तक के लिए डिस्कशन हुआ था क्योंकि डेमोक्रेटिकली हुआ था। और मैं
कोई आंचन नहीं लगाना चाहता हूँ किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बट आई मस्ट टेल यू वी मस्ट डिस्कस एंड डिबेट वेदर दिस सिस्टम इज नाउ गुड फॉर अस और नॉट. आई टेल यू व्हाई. कौन सा सिस्टम आप जरा पॉइंटेडली बताइए. सिस्टम ऑफ द वे द पार्लियामेंट फंक्शंस. एवरीथिंग मस्ट गो थ्रू अ रिव्यू एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. When we can change our constitution, when we can amend our constitution, we also have to make sure ki bhai ye kyon nahi chal raha, where is the problem. And I have been a presiding officer in the panel of, in the Rajya Sabha also. Presiding officer has a great role to play. Lekin unki to koi sunta nahi, dono hi sadon mein kya keh rahe. Wohi hum keh rahe, presiding officer is like an umpire. Umpire belongs to no party. But apne system mein kya hai? Unlike perhaps the Western system of the UK or whatever it is, that speaker is also elected. Aaj kya, if I am the speaker, I'm not talking about a particular speaker, I'm talking in general. Please, I hope I'm not misunderstood. So the speaker also has to depend on getting a ticket to be re-elected next time. So kahin na kahin, umpire neutral nahi hai. Kuch ye umpire neutral nahi hai. Kahin na kahin jo होते हैं प्रिसाइड, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू वॉक अक्रॉस द आइल. पार्लियामेंट एक इट्स लाइक फिकी फॉर एग्जांपल. यू हैव गॉट टू टेक एवरीबडी टुगेदर. एनी मेजर थिंग यू हैव टू गो अक्रॉस, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू कॉल देम. जितना भी संसद चलता है ना, लेट मी टेल यू विद माय एक्सपीरियंस, स्पीकर के कमरे में बैक डोर में ज्यादा चीज होती है जो बाहर दिखती नहीं है. असली वहां समझौता कहिए जो भी कहिए, दैट हैपेंस इनसाइड एंड आउट इन द क्लोज कर्टन. अब ये सवाल मैं गौरव से जरूर पूछना चाहता हूँ. गौरव, जब जो दिनेश जी कह रहे हैं कि ये बैकरूम जो डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट चलाने के लिए नहीं, कोई पॉलिसी पर नुक्ता चीनी जहां आपकी बात अटकी हुई है कॉमा फुल स्टॉप पर, वो पीछे ही दूर हो जाते हैं ऐसे मामलों में. राहुल गांधी ने बहुत संगीन आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर, वो आरोप का उन्होंने खुलासा नहीं किया, फिर वो प्रधानमंत्री से मिलने भी गए. मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी पार्टी की लीडरशिप, आप MP हैं, आप लोगों का सरकार के साथ पार्लियामेंट में जो मंत्री हैं या पार्लियामेंट में जो जो सरकार के सांसद हैं उनके साथ कैसा संबंध है? क्या आपका ऐसा संबंध है उनसे कि आप उनके साथ कोई चर्चा कर सकें? क्योंकि हमें TV पर देख के तो नहीं लगता. TV में तो बहुत चीज़ें आपको दिखता नहीं है कि चैनल का हेडलाइन कैसे डिसाइड होता है, ऐड क्या लगता है, किसका एडवर्टाइजमेंट कंप्यूटर पे जाता है, पेटीएम का एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है, वो तो हमें भी नहीं दिखता. दूसरी बात, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के साथ किस विषय पे मिले? ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर. 2 वर्ष से सूखा है और आज रूरल डिमांड जो है कम हो गया है, सब्जियों और फलों की जो बिक्री है कम हो गई है. आने वाले वर्ष में बारिश कैसी होगी उसका पता नहीं. 2 साल के सूखे के बाद आज प्रथम बार हमारे भारत में वर्षा अच्छी हुई, जिसके कारण हम बहुत सी चीज़ें आगे जा सकते थे. लेकिन माहौल आज ऐसा बन गया है कि दोबारा किसान दोबारा मुश्किल में पड़ गया है. इस विषय को लेके, दूसरे नोटबंदी के विषय की राजनीति को छोड़ के, हम किसान के विषय को लेके प्रधानमंत्री के पास गए तो आपको तो सराहना चाहिए. यही तो इंडिया फर्स्ट, ब्रिजिंग पॉलिटिकल डिवाइड, वो तो राहुल गांधी जी ने आपको दिखाया. आपको तो राहुल गांधी जी को बधाई देनी चाहिए. नहीं, इस बात के लिए उनको बधाई देते हैं कि वो वाकई प्रधानमंत्री के पास गए और ये होना चाहिए. और जो अखबारों में जो रिपोर्ट हुआ वो ये कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें मिलते रहना चाहिए, इसके अलावा शायद उन्होंने और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा. मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या कहा जाता है कि मतभेद हो सकते हैं पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में, मनभेद नहीं होने चाहिए. ऐसा लगता है कि इस बार मनभेद हो गया है, खासकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में, मोदी सरकार के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, राहुल गांधी की पार्टी के बीच में मनभेद है, बैर भाव है. देखिए, इतना नहीं है. आजकल माहौल आज भी सुधर सकता है. पिछले सत्र कैसे प्रोडक्टिव हो गया अगर मनभेद इतना है तो? ये तो 1 महीने के अंदर तो नहीं हो सकता. पिछला हमारा लोकसभा सेशन, राज्यसभा सेशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन, 116% प्रोडक्टिव इन द हिस्ट्री. सो यस, दे आर फेजेज इन विच देयर इज कोऑपरेशन, देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट
जीएसटी कैसे पारित हुआ इसी वर्ष में. तो एंड ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस वेयर देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर इंपैक्टेड द कंट्री सो मच दैट यू नीड टू हैव अ स्पिरिटेड डिबेट. And we hope that, as Dinesh ji said, the parliament can be a forum where the tools and the rules enable you to have a debate. The speaker's room can be a place where we can figure out a creative solution. We don't get stuck to a rigid position. And I hope that in the future that we will again regain. And because I rather have a debate inside parliament and less on TV studios. ये बहुत अच्छा होगा. आखिरी के दो comments जो हैं मैं चाहूँगा एक यहाँ पर एक neutral शख्सियत की हैसियत से पिरांकी जी से. क्योंकि आपने बताया कि आपकी पार्टी में निर्देश है कि इस किस्म का कोई कार्रवाई आप लोगों को नहीं करनी है सदन में. ये बहुत अच्छी बात है. और भूपेन जी से उसके बाद अब अगला सत्र जब आएगा बजट सत्र बहुत अहम होगा. और आज हम जिस नोटबंदी के दौर से गुजर रहे हैं ज़्यादातर लोगों का मानना है एक्सपर्ट्स का भी कि इसके असल उद्देश्य कितने कामयाब हुए नहीं हुए इसका जो भी असर होगा वो लगभग तभी जा करके स्पष्ट होगा अगले 2-3 महीनों के बाद. आपको उम्मीद है कि तब ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे जो इस बार देखने को मिले? मैं कोई गारंटी आज देने की परिस्थिति नहीं है. ये पिछले सेशन में हुआ क्या मेरी तो समझ में नहीं आया. कांग्रेस की सुष्मिता जी सही कह रही हैं सरकार का इतना अच्छा बहुमत है लोकसभा में. डे वन बोलते एडजर्नमेंट मोशन ले आइए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है. फ्रैंकली इससे महत्वपूर्ण मुद्दा पिछले 10-15-20 साल में हिंदुस्तान में आया नहीं है जो ये हुआ है. तो इस पे अजर्मन मोशन में अगर सरकार मान जाती डे वन डिबेट चालू हो जाता कोई असुविधा नहीं होती. जो सरकार ने बोलना था सरकार बोलती जो विपक्ष ने बोलना था विपक्ष बोलती और इसमें कोई दोराय नहीं है कि अल्टीमेटली सरकार के पास आज 350 से ज़्यादा है बहुमत. सरकार को 325-330 मिलते विपक्ष सारा वॉकआउट करता. क्रशिंग मेजोरिटी दिखती है सरकार की. राज्यसभा में लंच के पहले बहुत अच्छा डिबेट शुरू हुआ. सडनली लंच के बाद विपक्ष ने कहा पीएम नहीं होंगे तो डिबेट नहीं होगा. अच्छा पीएम हो सकता है कोई उनका प्रायर कार्यक्रम हो. अरुण जी बैठे थे उन्होंने कहा भाई मैं मंत्री हूँ मैं बैठा हूँ पीएम पूरा एंटायर वक्त तो नहीं सुन सकते हैं डिबेट. कभी थोड़ा बाथरूम जाना हो कुछ हो तो वहाँ पे थोड़ी बोलेंगे जो एमपी खड़ा होगा बोलने के लिए कि पीएम नहीं बैठे हैं तो खड़े हैं तो ये यहाँ हाउस में नहीं है तो मेरी इज्जत चली गई मैं नहीं बोलूँगा. तो ये मुझे समझ में नहीं आया. अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई और था प्रोग्राम उनका छोड़ के चले आते उसके बाद. इसमें क्या ईगोज इन्वॉल्व्ड हैं या इसमें इमेच्योरिटी इन्वॉल्व्ड है इसमें बैड पार्लियामेंट्री हैंडलिंग इन्वॉल्व्ड है मुझे समझ में नहीं आया. दोनों तरफ से मेरे हिसाब से एक लॉ में कहते हैं पारी डेलिक्टो विच इज बोथ हैंड्स आर इक्वली डर्टी. बोथ द मेजर पार्टीज हैव टू सीरियसली डू सम सोल सर्चिंग. कई टीवी डिबेट्स में आपको मालूम है मैंने सुना कि भाई एक विंटर सेशन इन्होंने बर्बाद किया था आज विंटर सेशन हमने बर्बाद किया. अब ये दिस काइंड ऑफ टिट फॉर टैट एज लॉन्ग एज इट कैरीज ऑन यही बात दोहराई जाती है. और बिल्कुल सही वाजिब बात दोहराई जाती है कि किसी मंत्री ने कहा कि एक साल पहले कि वी हैव नो एपेटाइट फॉर एनी फर्दर लेजिस्लेशन अब तो इलेक्शन कराइए. अनदर मिनिस्टर सेड डिसरप्शन इज वेरी मच फंडामेंटल एंड पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो वही बातें आज दोहराई जा रही हैं कि आपके मंत्रियों ने कहा था तो अब हम डिसरप्शन करेंगे. इसमें अनलेस बोथ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टीज तो कुछ नहीं है हाई कमांड है 3-4-5 लोग तय करते हैं सही बात है. एक या दो लोग तय करते हैं सही बात है कि बाकी एमपीज ने क्या करना है. तो वो 2-3-4 लोग जो हैं जो डिसीशन लेते हैं उनको तय करना है कि साहब हमें सेशन अगर चलाना है देश को अगर दिखाना है कि बाईपार्टिसन पॉलिटिक्स करना है तो इनको बोथ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी द मेजर प्लेयर्स. भूपेन जी आपके पास समय कम है अब इसका जवाब आप ही दीजिए. ये जो अड़ियल रवैया है वो उनका कहना है कि अड़ियल रवैया दोनों तरफ है आपकी तरफ भी है तो ये छोड़ेगी आपकी पार्टी संसद के भविष्य की खातिर देश के भविष्य की खातिर? देखिए कभी कुछ विषयों के फैक्ट्स क्लियर करने जरूरी होते हैं. राज्यसभा में विपक्ष ने पहले दिन नोटिस दिया रूल 267 में जिसमें सरकार को कहा जाता है कि आप सारे कार्यों को स्थगित करके तुरंत चर्चा शुरू कराइए. हम लोगों ने तुरंत चर्चा शुरू करा दी पूरे दिन चर्चा हुई फिर बोले माननीय प्रधानमंत्री जी आने चाहिए तो हमारे नेता सदन श्री अरुण जेटली जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इंटरवेंट करेंगे. अगले दिन क्वेश्चन आवर था माननीय प्रधानमंत्री जी थे
आप सबने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह बोले, श्री नरेश अग्रवाल जी बोले, हम लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, फिर उन्होंने सदन को भंग कर दिया, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो केवल प्रश्नकाल में आए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बजे आकर के बैठ गए, तब उन्होंने नारे लगा दिए कि अब प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे, भाई किस बात की। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी नियम में चर्चा कराने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को होता है। टीएमसी की शुरू में डिमांड थी कि इस पॉलिसी को रोल बैक किया जाए, बाकी तो किसी दल ने कहा ही नहीं कि इसको रोल बैक किया जाए, तो जब आप पॉलिसी रोल बैक नहीं मांग रहे थे तो डिवीज़न किस चीज़ का मांग रहे थे? आप ये मांग रहे थे कि पॉलिसी का क्लेरिफिकेशन क्या है, आम आदमी को दिक्कत है उसका क्लेरिफिकेशन क्या है, तो सरकार तो चर्चा के लिए जवाब देने को तैयार थी। ठीक, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष सरकार को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए सदन का उपयोग कर सकता है, और इसलिए जो पिनाकी जी की समझ में नहीं आया वो मेरी भी समझ में नहीं आया कि हम सब चीज़ों को मान रहे थे फिर हंगामा क्यों हो रहा था। पिनाकी जी को तो आपका पक्ष भी समझ में नहीं आया था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी बात करते हैं अपने कम्युनिटी के अंदर जर्नलिस्ट की, तो ज़्यादातर लोग जो पार्लियामेंट कवर करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो MPs हैं बहुत उनके शब्द होते हैं कि ब्रिलियंट होते हैं जब ये आते हैं, इनको ज़मीनी समझ, कानून की समझ, दुनिया की समझ इतनी होती है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उनसे बहुत रेलेवेंट सवाल करना। जब इतने बुद्धिमान बुद्धिजीवी किस्म के हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमने आज जिस तरीके से बात की है, ये ऐसी बात अगर पार्लियामेंट में कभी देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है उस दिन देश बहुत खुश हो जाएगा। सरोज जी, मैं आखिर में एक बात कहूँगा, हमारी एक कमिटी होती है, स्टैंडिंग कमिटी, कंसल्टेटिव कमिटी, बाईपार्टीज़न, इससे मेरी पार्लियामेंट, वहाँ तो हंगामा नहीं होता है, वहाँ तो अच्छी तरह चलती, आज यहाँ तो हंगामा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी तरह बात चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।